वही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से खबर है, जहां निम्बोला गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 12वीं के छात्र धरने पर बैठ गए हैं। जानकारी के अनुसार छात्रों की मांग है कि विद्यालय में शिक्षकों के ना होने से पढ़ाई में समस्याएं आ रही हैं। इतना ही नहीं, विद्यालय में साफ सफाई भी सही ढंग से नहीं होती है, जिसके चलते छात्र एकजुट होकर धरना कर रहे हैं। तो एक खबर आ रही है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से, जहां 12वीं के छात्र धरने पर बैठ गए हैं, क्योंकि ना ही स्कूल में साफ सफाई है, ना ही स्कूल पे अच्छे शिक्षक है। तो ये बड़ा इसी मामले में हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता गोपाल देवकर बुरहानपुर से। जी गोपाल, तो बुरहानपुर जिले से खबर आ रही है, जहां निम्बोला गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 12वीं के छात्र धरने पर बैठ गए हैं। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, और ये 12वीं कक्षा की बात है, जहां पे बच्चों को अगले साल कॉलेज के लिए जाना है, तो ये बहुत सामने आ रही है। तो क्या है ये मामला, विस्तार से बताइए। जी मुस्कान, बता देना चाहूंगा कि बुरहानपुर जिले के ग्राम निम्बोला में जहां हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं आज लामबंद हो गए, यदि हम बात करें तो यहाँ पर छात्र छात्राओं का जो धरना प्रदर्शन था वो अपनी पढ़ाई को लेकर था। उनका कहना है कि यहाँ पर जो है शिक्षक नहीं होने के कारण उनके पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है, उनके सिलेबस के अनुसार जो है उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते उनका जो भविष्य निर्माण का वर्ष है वहाँ जो है कहीं ना कहीं अंधकार होते नजर आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने आज जो है धरना प्रदर्शन किया है। और धरना प्रदर्शन करने के बाद जब हमने छात्र छात्राओं से चर्चा की, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर शिक्षकों की कमी तो है ही है, साथ ही जो है मूलभूत सुविधाओं की कमी भी है। यदि हम बात करें तो पीने का पानी के लिए जो है हमें पास ही के पुलिस थाना में जाना, जहाँ कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ पर पानी पीने जाने के लिए ठीक नहीं मालूम होता। लेकिन यदि वही हम दूसरी तरफ बात करें तो साफ सफाई की, तो हमें जो है यहाँ पर पहले साफ सफाई करना होता है, उसके बाद हमारा अध्यापन कार्य होता है। इस प्रकार की मांगों को लेकर जो है उन्होंने आज नारेबाजी भी की है, शिक्षकों और प्रधान पाठक के प्राचार्य के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी भी हुई है। जब इस संबंध में चर्चा की गई एडीएम वीर सिंह चौहान से, तो उन्होंने तुरंत ही डीओ संतोष सिंह सोलंकी को आदेश किया कि जाकर देखिए और वहां उनकी समस्या को निराकरण करें। जिसके बाद हमारी टीम जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि स्कूल में 14 शिक्षकों की कमी है, जो कि एक बड़ी बात है कि स्कूल में इतने बड़े संख्या में 14 शिक्षकों की कमी होना, जो कि शिक्षा की लचर व्यवस्था को दर्शाती है। कहना है कि यहाँ पर पिछले वर्ष तक जो है अतिथि शिक्षक यहाँ रहते थे, किंतु इस वर्ष अतिथि शिक्षकों का कोई आदेश न होने के कारण छात्र छात्राओं की अध्यापन में जो है इस प्रकार का व्यवधान आ रहा है। जी मुस्कान, तो इस शिक्षा स्तर पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, और वही शिक्षक बच्चों का भविष्य अंधकार में रख रहे हैं। तो अभी इस बच्चों का क्या कहना है इस मामले में, बच्चों का यही कहना है कि यदि जब तक जो है हमारे कक्षाएं हम तब तक नहीं लगेंगे जाएंगे जब तक कि हमारी इस समस्या का निराकरण नहीं होता। लेकिन अब चूंकि शिक्षकों की कमी है, जो कि तुरंत वहां पर शिक्षकों का इस तरह से पूर्ति होना जो कि असंभव सा नजर आ रहा है। जी मुस्कान, वही प्राचार्य का इस पर कोई बयान सामने आया है? प्राचार्य ने जो है इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार किया। उनका कहना है कि जो करेंगे वो जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से ही होगा, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं होगा। जी, तो आपने बताया प्रचार ने क्या कहा, वही अब इस मामले में एडीएम को एडीएम वीर सिंह चौहान जी ने यही जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया कि तुरंत जो है उनकी समस्या का निराकरण करे, मौके पर पहुंचे। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने अधीनस्थ दो शिक्षकों को वहां पहुंचकर जो है उनकी समस्या जानी, और समस्या के जानने के बाद जिस समस्या को लेकर वो बैठे धरने पर, वो समस्या यही है कि उनके पास जो है शिक्षकों की कमी है। जी जी, मामले में अधिक जानकारी के लिए धन्यवाद गोपाल, फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तो खबर हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से आ रही है, जो कि निम्बोला गांव की है, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं के छात्र अपनी मूलभूत सुविधाओं से
अनजान हैं, उनको नहीं पता है कि जानकारी के अनुसार यह भी ये सामने आया है कि विद्यालय में शिक्षकों के ना होने से पढ़ाई में समस्याएं सामने आ रही हैं।